नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केशव ट्रेडिंग कंपनी में। तो दोस्तों आपको पता है चाय पत्ती के व्यापार संबंधी बातें और भी अलग अलग व्यापार की बातें हम इस चैनल के माध्यम से दोस्तों करते रहते हैं। तो आज के वीडियो दोस्तों हम आपको ये बताने जा रहे हैं दोस्तों कि जब आप स्टार्ट करते हैं चाय पत्ती का बिजनेस तो दोस्तों उसमें मशीनरी को लेकर काफी लोगों की कंफ्यूजन रहती है। दोस्तों कम बजट में भी स्टार्ट करते हैं लोग और अच्छे बजट के साथ भी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग दोस्तों मशीनरी में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाला है मैं कंप्लीट आपको ए टू जेड बताऊंगा दोस्तों कि किस किस मशीन का किस किस तरीके से यूज होता है और किस किस की क्या क्या कॉस्ट आपको आने वाली है मार्केट में। तो अगर आप चाय पत्ती का व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किन किन मशीन की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों आपके इस व्यापार में, आप पैकेजिंग करते हैं आपको किस टाइप से क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी कंप्लीट दोस्तों हम डिस्कस करेंगे और मैं एक एक मशीन आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आप वीडियो में जरूर दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी टाइप के जो कंटेंट हैं दोस्तों वो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको कि किस किस टाइप की जो मशीनें हैं जो कि आपको चाय पत्ती व्यापार में काम आने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इस टाइप का जो विजन स्केल है, स्केल आप कोई भी ले सकते हैं, इसका जो कंपनी है वो कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा सा पास आके दिखाएं तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये वाले जो विनिंग स्केल है इनका आपको जरूरत पड़ता है दोस्तों, ये आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका विनिंग स्केल मशीन जो होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों जब आपका वेट हो गया, वेट के बाद में दोस्तों आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है इस टाइप के मशीन की। ये जो मशीन है दोस्तों ये सबसे पहला स्टेप होता है जब आप पैकेजिंग करते हैं। इस मशीन से दोस्तों आप फूड पैकेजिंग के कोई भी पैकेट जो रहते हैं दोस्तों वो आप इजीली पैक कर सकते हैं। ये घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसी से चलने वाली मशीन है और ये मार्केट में आपको 1000 रुपए से लेकर और 2000 रुपए तक आपको आराम से मिल जाती है। तो ये जो मशीन है दोस्तों ये आप यूज कर सकते हैं जब आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपका ज्यादा बजट नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपका फ्रिक्वेंसी ज्यादा है यानी कि आपका जो लोड है काम का पैकेटें हैं जो आपकी वो बहुत ज्यादा पैक हो रही हैं, बहुत बल्क में पैक हो रही हैं, तो फिर ये वाली जो मशीन है उसको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है पैक करने की वो ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, ये बहुत कम क्वांटिटी ही दिन में पैक कर पाती है। तो उसके लिए दोस्तों आगे आए थोड़ा सा दिखाएं इस टाइप की दोस्तों आप जो मशीन है उसका दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। इसको दोस्तों बैंड सील मशीन के नाम से जानते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं मार्केट से तो इजीली दोस्तों बहुत सारी जगह अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इंडिया मार्ट पे इसको सर्च कर सकते हैं। बैंड सील मशीन जो है दोस्तों इसकी जो कैपेसिटी है और पैकिंग करने की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया रहती है दोस्तों। तो आप अगर पैकेजिंग में जा रहे हैं और आपका जो है वर्क बहुत ज्यादा है, पैकेजिंग का लोड बहुत ज्यादा है, तो आप इस टाइप का जो बैंड सील मशीन है उसको यूज कर सकते हैं। ये भी घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों उसी से ऑपरेट हो जाती है। इसकी जो कॉस्ट दोस्तों मार्केट में आती है वो 15000 रुपए से लेकर 25000 रुपए तक पहुंच जाती है दोस्तों। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से खरीद रहे हो और कहां से खरीद रहे हो, वो मार्केट के उसके डिपेंड करेगा। उसके बाद में दोस्तों आपकी पैकेजिंग की बातें हो गई दोस्तों, दोनों तरह की मशीन मैंने दिखाई, आपको जो परचेज करना है आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपके वर्क के अकॉर्डिंग। तीसरा आता है दोस्तों जब आपका माल रेडी हो जाता है और आपके कट्टे को पैक करना है दोस्तों, बैग सील करना है। तो ये मशीन आप दोस्तों देख रहे हैं रिवो का बैक क्लोजर, इसको बोलते हैं दोस्तों बैक क्लोजर के नाम से, मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है। इसकी जो दोस्तों कॉस्ट है वो आती है आपको 5000 रुपए से लेकर और 10000 रुपए के बीच में। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रेटें हैं, वो आप अपने मार्केट में जाकर ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो आपको ये देखने को मिल रही है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं। तो ये मशीन बेसिकली दोस्तों आपका जो बैग रहता है उसको सील करने के लिए यूज की जाती है, चाय पत्ती बिजनेस हो या कोई भी एक्स्ट्रा जेड बिजनेस हो, बहुत सारे बिजनेस में दोस्तों आपको बैग सीलने की जरूरत पड़ती है। तो आप जो है इस टाइप का जो मशीन है उसका यूज आप बैग सीलने में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मोटा मोटी मैं आपको दिखाऊं, यहां पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि थोड़ा सा पीछे से दिखाएं, ब्लेंडिंग में आपको दोस्तों इसका भी यूज करना पड़ता है। तो आप एक ये भी ले सकते हैं, प्रॉपर ब्लेंड दोस्तों बनाना है आपको तो इसका भी दोस्तों यूज लगता है। आपको दोस्तों जब बहुत सारे बैग आपको रखे होते हैं और आपको चाय पत्ती की क्वालिटी को देखना होता है तो आप इस टाइप की एक छोटी पर्की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बैग जो है उसमें ऐसे जैसे डालेंगे आप तो उसके अंदर से जो आप चाय पत्ती रहेगा वो आपके हाथ में आ जाएगा, तो आप उसकी क्वालिटी को जो है बिना बैग खोले भी परख सकते हैं दोस्तों। तो इसको पर्की बोलते हैं और मार्केट से आप ये भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों।
उसके अलावा और भी छोटे मोटे जो टूल टैकल है उसमें आपके ये झाबे वगैरह आते हैं दोस्तों, जो कि आपका जो पैकेट है उसको पैक करने में या फिर आप खुली चाय का काम करते हैं तो उसको सप्लाई करने के लिए भी दोस्तों आप इनका यूज कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों बेसिक मशीनरी रिक्वायरमेंट जो कि चाय बिजनेस में आपको पड़ने वाली है, इनकी सबकी जरूरत। अब ये खरीदने कैसे हैं दोस्तों, ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, आपके बजट पर डिपेंड करेगा, आपका वर्क लोड कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको 10 केजी कैपेसिटी का विनिंग मशीन चाहिए या फिर 50 केजी का चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका छोटा व्यापार है तो आप छोटी छोटी चीजें खरीदे, आपका बड़ा व्यापार है तो आप बड़ी मशीनों पर भी जा सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों और बड़ी मशीनें भी हैं जो कि ऑटोमेटेड आती हैं, वो भी आपको बहुत जल्द वीडियो में दोस्तों हम लोग दिखाने वाले हैं, जो कि रोल लगाते हैं और पाउच ऑटोमेटिक उनसे वेट होके और सील हो जाते हैं दोस्तों। लड़ी किस प्रकार बनती है वो भी आपको बहुत जल्द दोस्तों वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है अगर चाय पत्ती व्यापार आप शुरू कर रहे हैं तो आपको किन किन मशीनों की जरूरत पड़ेगी, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर दोस्तों आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट जरूर करें, हम अगले वीडियो में दोस्तों आपका जरूर जवाब देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।